हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। मैं रेखा। तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना कुछ बचा हुआ चीज़ है। तो इसका हम क्या बनाने वाले हैं, और हम बनाने वाले हैं दलिया पुलाव। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी था। बहुत सारा वेजीज था मेरे पास जिसको हम कट कर लिए हैं, दलिया को रोस्ट कर लिए हैं और हम चढ़ा दिए हैं कुकर। हम एक साथ कुकर में बना के दिखाएंगे कि घंटों का काम कैसे मिनटों में बन जाता है टेस्टी सा। तो सबसे पहले कुकर चढ़ा दिए हैं, उसमें हम डाल दिए हैं देसी घी। आप चाहें तो तेल या रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देसी घी में बना रहे हैं। देसी घी में हम डाल दिए हैं जीरा, जीरे में हम डाल दिए हैं लहसुन और मिर्ची। तो जैसे ही लहसुन मिर्ची रोस्ट हो गया, उसमें हम डाल दिए तेज पत्ता। और उसके बाद तो तेज पत्ता डाल दिए हैं, और जैसे ही लहसुन और मिर्ची डार्क हो गया, हमें बिल्कुल इसमें डार्क करना है, ये नहीं कि कच्चे में ही डाल दें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। तो प्याज को भी थोड़ी देर हम चलाएंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मसाला रहे, तुरंत कूटा हुआ। उसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, सहजीरा और काली मिर्च, सबको लौंग, और लौंग भी ले लेंगे। सबको कूट देंगे, कूट के अच्छे से हम इसमें डाल देंगे और प्याज को भी चला लेंगे। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, मसाला का अच्छा सा खुशबू आने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे सोया बड़ी जिसको हम भिगो दिए थे और हम काट के इसे छोटा छोटा कर दिए हैं। और इसको भी प्याज के साथ ही हम फ्राई कर ले रहे हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर का बादल गरज रहा है, तो हमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें हम डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ बोणा, और मेरे पास कॉर्न था तो हम कॉर्न डाल दिए हैं। और इसमें आप चाहें तो अपना मनपसंद और भी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी टुकड़े में काट के आलू डाल सकते हैं, परवल डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। पत्ता गोभी डाल सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी मत डालिएगा, उससे टेस्ट बिगड़ जाता है। और इसमें हम डाल देंगे गाजर, और गाजर को भी डाल के हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे किशमिश, जो बीच बीच में आपको खाते वक्त मुंह में निकलेगा ना दांत के नीचे, वो मिठास, वो खट्टा वाला स्पाइसी के साथ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से फिर से एक बार मिला देंगे। उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, जितना हमें नमक का नीड हो उतना नमक डाल देंगे। और इसमें हमें कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है। इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर को सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक डाल के और हल्दी डाल के बॉयल कर लिए थे एक बार। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ दो टमाटर, यानी कि एक कटोरी भर के टमाटर। टमाटर का क्वांटिटी थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल भी आप वेजीज डालने में कंजूसी मत करिएगा, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपका मन तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा खा के। ऐसा लगेगा कि यार पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, ये वो डिश है और ये सब लोग खाना पसंद करेगा। और सारी चीज़ें एक साथ बना के आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सारे सब्जी को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पकाया नहीं है, सिर्फ दो तीन मिनट के लिए ही उसे हम चला लिए हैं। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैकेट हम डाल देंगे मैगी मसाला, और एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालना है। जैसे किचन किंग हो गया, सब्जी मसाला, पुलाव मसाला, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ कुटा हुआ फ्रेश गर्म मसाला। और इसमें हम डाल देंगे मैगी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बारी आ गया है वो डालने का जिसके लिए इतना सारा तैयारी है। तो जी हाँ, आप चाहें तो इसमें दलिया की जगह चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए चावल तो सब बना के खाते हैं, दलिया बना के खाइए, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके पेट भी भरेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी लगेगा। तो दलिया को डाल के हम एक दो बार चलाएँगे। उसमें हम डाल देंगे एक अच्छी सी क्वांटिटी में पानी। पानी हमेशा ध्यान रखें, दलिया से थोड़ा ज़्यादा डालना है हमें। जैसे एक कटोरी दलिया है तो दो कटोरी से डेढ़ कटोरी आप पानी डालिए। कम बेसी आप कर सकते हैं अपने सूखा और पतले के हिसाब से। तो इसे एक सीटी सिर्फ देना है। एक सीटी देने के बाद इसे बंद कर दीजिए, बीच में बिल्कुल भी ठंडा मत करिए सीटी। और ये सीटी जैसे ही दे देगा, आप कुकर को उतार कर साइड में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद इसे अपने आप ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप खोल के चेक करेंगे कि ये पका या नहीं, लेकिन फाइनली ये पक जाएगा और ये हल्का सा गीला रहेगा। लेकिन आप तुरंत मत खाइएगा, इसे दो मिनट ऐसे रेस्ट करने दीजिएगा। और हम बोलते बोलते बनाते बनाते थक गए हैं, तो दो घोट पानी। तो दो घोट पानी पीने के बाद वापस से हम देख लिए हैं कि कुकर ठंडा हो गया है, और इसे हम इस तरह से चला के चेक करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है, देखने कितना गर्म है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले एक अच्छा सा साफ़ सुथरा प्लेट। प्लेट में हम ले लेंगे पूरा अच्छे से भर भर के
आप देख सकते हैं, पुलाव कहिए, तहरी कहिए, जो भी आपका इच्छा हो आप इसको अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं दलिया का। और इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप सैलड करना खाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वरना किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा गर्मी के दिन में मंठा चाहता है, तो मंठा बनाने के लिए बहुत ज़रा सा 2 चम्मच दही को अच्छे से फेंट लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी डाल दीजिए, हल्का सा काला नमक, सादा नमक, जीरा और हल्का सा उसमें आप डाल दीजिए पुदीने का क्रश करके, पुदीने का पत्ती और हल्का सा लाल मिर्च। तो इस तरह से आप बनाइए और भरपूर खाइए, सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। और आपको देख के मन करता ही होगा, तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और बस ओके, बाय।